राजर सी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको UGZY 101 में यूनिट 4 एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर किस तरीके से निकलता है, किस सिस्टम के द्वारा, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं बॉडी में, उसको बॉडी से रिमूवल करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। बेसिकली नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स इस फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे, नेफ्रॉन्स क्या होता है, उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीशन ऐसा नहीं होता केवल ह्यूमंस में ही हो, अगर आप इन्वर्टिब्रेट्स से लेकर के चलें वर्टिब्रेट्स की तरफ, तो जो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स हैं जनरल बॉडी सरफेस से, उनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। अगर हम देखें प्लैटीहेलमिंथेस की बात करें, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, उनसे फ्लेम सेल की हेल्प से एक्सक्रीशंस होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें एनीलिडा, एनीलिडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें आपका आर्थ्रोपोडा, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मोलस्का की बात करें, ऑर्गन ऑफ बोजेनस प्रेजेंस होता है। तो ये सब क्या है, इनके अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, इनमें किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात करें एडवांस कंडीशन में, तो किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होता है एंड देयर फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक्सक्रीशंस मे बी डिफाइंड एज अ सेपरेशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी नोन एज द एक्सक्रीशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, यूरिया इज हाईली पॉइजनस, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनी। अब इसके साथ साथ अभी हम आपको बताएंगे किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में किडनी प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलस कैसा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है, ये सब अभी हम आपको ये पॉइंट्स डिटेल में बताएंगे। नेफ्रॉन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तीनों पॉइंट्स हम आपको डिटेल में अभी बताते हैं। आइए स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पे, ये देखिए बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी का है। इसमें बाहर का जो पार्ट्स है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट्स है वो कहलाता है मेडुला। तो मेडुला रीजन में क्या प्रेजेंट है, पिरामिड्स लाइक, मेडुला कैसा है, पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसपे ये पैपली पाए जाते हैं। अंदर का पार्ट्स मेडुला जहाँ ओपन होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसे कैलेक्स कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो सेंटर का पार्ट है, ये सेंटर का पार्ट आपका कहलाता है रीनल पेल्विस। यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, रीनल पेल्विस रीजन में यूरिन का कलेक्शन होता है और फिर यूरेटर के थ्रू बाहर की तरफ निकलता है। एक और डायग्राम है, इसके साथ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए राइट साइड की किडनी है, लेफ्ट साइड की किडनी है, ये मेडुला रीजन है, यहाँ से यूरेटर निकलता है, दोनों तरफ से यूरेटर निकलता है। यूरेटर किस में ओपन होता है, ब्लैडर में ओपन होता है, और ब्लैडर से होता हुआ ये यूरिन बाहर की तरफ निकलता है। अब देखिए अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें, ये स्ट्रक्चर अभी हम आपको डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से होता है नेफ्रॉन्स। बेसिकली सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दो तरीके से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। एक तो होता है कॉर्टिकल रीजन में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरा होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। यह मेडुलरी रीजन में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है, इसकी क्या खास बात होती है कि ये नेफ्रॉन्स कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो जक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स होता है ये क्या काम करता है,
दीज हेल्प्स टू इंक्रीज द वाटर रिटेंशन, ये वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इन दोनों के पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या करता है, ये नेफ्रॉन्स कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करने का काम करता है, और दूसरा जो जक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स होते हैं ये नेफ्रॉन्स इंक्रीज द वाटर रिटेंशन। आइए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर में वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये देखिए कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, वोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है। देखिए कप शेप्ड ये स्ट्रक्चर है, ये होता है वोमेंस कैप्सूल का, यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक साइज में एफरेंट आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होते हैं और थिन साइज में इफरेंट आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन होते हैं ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होता है, कैपिलरीज नेटवर्क होता है, यहाँ से ब्लड फ्लो के साथ में ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है। वोमेंस कैप्सूल आगे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इस तरीके से आप देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स आगे चल करके लूप ऑफ हैनल्स बनाते हैं, ये कहलाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स, DLH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, और ये कहलाता है दूसरी ट्यूब जो थोड़ा सा थिक साइज में होती है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम थिक साइज में बना रहे हैं, एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स। तो दो तरीके से डिवाइड होती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स एंड एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स। आगे चल करके ये ट्यूब ओपन होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, फिर आगे चल करके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में छोटे छोटे से जो ट्यूब्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन्स का। फिर से देख लीजिए नेफ्रॉन्स में एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड अंदर की तरफ आता है, ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, ये ओपन होता है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं वोमेंस कैप्सूल, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है BC। वोमेंस कैप्सूल आगे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। फर्दर देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्यूब का डिवीज़न हो रहा है, दो तरीके से डिवाइड हो रहा है, जो कैप्सूल से लगा हुआ पोर्शन है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और जो इससे दूर है दूसरी तरफ है वो कहलाता है इसके अपोजिट साइड में डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बीच में लूप ऑफ हैनल्स प्रेजेंट होता है,
हैनल्स प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हैनल्स में बेसिकली दो तरह के लिम्स लूप प्रेजेंट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्स और एसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स और एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन्स का। फिर ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स में जो ट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, उसको कलेक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब आप ये देखिए कि ब्लड का फ्लो होता कैसे है, कहाँ कहाँ पे प्रेशर बनता है। तो अगर हम बात करें वुमेन्स कैप्सूल की, आप इतने पोर्शन को छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर आप इतने पोर्शन की बात करिए तो देखिए जब ब्लड आ रहा है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कितनी तरीके से हो रहा है। यूरिन का फॉर्मेशन बेसिकली अगर हम देखें तो तीन तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, तीन तरह के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप आता है इसमें सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। देखिए इन तीन स्टेप से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, एक एक स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम से ही क्लियर है, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर। जो प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। दूसरा सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव मीन्स सेलेक्टेड चीज़ें। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट होता है वो आता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे छोटा सा हम ये डायग्राम से आपको बता रहे हैं, ये है आपका वुमेन्स कैप्सूल है, आगे चल करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, पीसीटी में ओपन होता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ये आपका एफरेंट साइड है, और ये आपका क्या है, दूसरी तरफ ओपन होता है इफरेंट साइड। एफरेंट साइड थिक होता है, इफरेंट साइड थिक नहीं है, थिन साइड है, ठीक है। तो जब थिक साइड से ब्लड फ्लो हो रही है तो नेचुरली क्या होगा, ग्लोमेरुलस पे प्रेशर पड़ता है। तो पहला प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा, फर्स्ट प्रेशर आपका क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस में, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो पहला तो प्रेशर ये हो गया कि जितने फ्लो के साथ में, जितने स्पीड के साथ में ब्लड आ रहा उतना ही ग्लोमेरुलस पे फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस पे प्रेशर होगा। तो पहला प्रेशर यहाँ पे आपका क्रिएट होता है, किसकी हेल्प से हो रहा है पहला प्रेशर, ब्लड के कारण। फर्स्ट जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो ब्लड की वजह से क्रिएट हो रहा है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखिए दूसरा प्रेशर कहाँ पे होता है, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स पहले से है, यहाँ से फिल्ट्रेट हो करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो फर्स्ट प्रेशर हो गया, ये फर्स्ट प्रेशर आता है आपका 60 mmHg के साथ में आता है फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है। तो ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आया। अब दूसरा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा नेचुरली, जब वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ रहा तो सेकेंड प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा ना। तो जो यहाँ का प्रेशर होता है ऑलरेडी पहले से कुछ फिल्ट्रेट पड़ा होता है। जैसे कि अगर आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पास में बैलून है,
पानी वाला बैलून देखा है ना कि जिसमें पानी भरा होता है, तो दो तरीके के आपने बैलून ले लिया, एक खाली बैलून लिया उसमें आप पंप से पानी भर रहे हो तो वो उसमें पानी को लेने की क्षमता ज़्यादा होगी, दूसरा ऑलरेडी बैलून में अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें आप एक्स्ट्रा पानी नहीं फिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि फिल्ट्रेट पहले से कुछ होता है जो कि इसका अपोजिट फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे जो कैप्सूल से प्रेशर लग रहा है उसका अपोजिट प्रेशर है, तो इसको कहते हैं दूसरा प्रेशर हो जाएगा आपका, क्रिएट हो जाएगा कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, पहला हो गया ग्लोमेरुलस यानी ब्लड की वजह से जो आ रहा है प्रेशर, वो आपका हो गया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरा कैप्सूल की वजह से यहाँ पे देखिए अपोजिट प्रेशर लग रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, ये इसके अपोजिट में है, पानी को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, या जो इसके जो सब्सटेंस है जो लिक्विड चीज़ें हैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होता है वो कहलाता है कैप्सुलेटेड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखिए तीसरा प्रेशर कहाँ पर आता है, तीसरा प्रेशर आपका होता है कि फिल्ट्रेट के साथ में यहाँ पर कुछ ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल के सरफेस पे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कोलाइडल प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स क्या होते हैं नीचे की तरफ नहीं आते, इनके पोर्स इतने स्मॉल होते हैं कि प्रोटीन फिल्टर होकर के नीचे नहीं आते, तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए तीसरा प्रेशर हो गया आपका ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो तीन तरह के प्रेशर हुए, पहला प्रेशर ब्लड की वजह से जो ग्लोमेरुलस में हो रहा है उसको कहते हैं जीएचपी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा वोमेंस कैप्सूल इसका अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर रहा है कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और तीसरा प्रेशर होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी अपोजिट होता है, ये भी प्रेशर इसका अपोजिट होता है, तो एक ही प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेकिन ये इतना तगड़ा ये इतना तेज़ प्रेशर होता है कि बाकी प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, फिल्ट्रेशन होता ही होता है। तो अगर हम देखें तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, नेट प्रेशर की बात करें तो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका 60 mmHg होता है, ये आपका हो जाएगा CHP 30 mmHg, और ये आपका हो जाएगा 20 mmHg, तो नेट प्रेशर लगभग हो जाता है 10 mmHg का। तो जो भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा है या जो फिल्ट्रेट आपका ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर होकर के आ रहा है कितने प्रेशर के साथ में आता है 10 mmHg। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई, आप पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, दूसरे स्ट्रक्चर में बताया, इसको ध्यान से समझना है कि किस किस जगह पे कहाँ कहाँ कौन सा प्रेशर लगता है, तीन तरीके के प्रेशर लगे, जीएचपी कैप्सूल का अपोजिट प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अपोजिट प्रेशर, तो दो इसके अपोजिट प्रेशर लगे और एक इसका ऊपर से नीचे की तरफ जो फ्लो आ रहा है वो जीएचपी हो गया, तो नेट प्रेशर आपका 10 mmHg हुआ। अब इसमें आपको बताते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो ये तो प्रोसेस हो गई आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर लगा। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और जानिए कि जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल के अंदर आते हैं वो कहलाते हैं फिल्ट्रेट, ये आपका यहाँ पे हम पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ से फिल्ट्रेट आपका वोमेंस कैप्सूल के अंदर आ रहा है तो ये आपका ये कहलाया फिल्ट्रेट। ठीक है, इस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं, तो जो यूज़फुल चीज़ें होती है उनको हम
कहाँ से लेते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें कि एक्टिव प्रोसेस भी होता है, हमने आपको सेकंड नंबर पे बताया ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ से होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो अभी हम आपको इसमें ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब होती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होकर के आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो फिल्टर आया, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर आया, बोमेंस कैप्सूल का फिल्ट्रेट आगे बढ़ करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में आया। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में बेसिकली अगर से हम अलग से डायग्राम देखें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के, अगर हम इतने पोर्शंस को कट करके देखें तो इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरीके का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में। जितनी भी चीज़ें ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के वुमेंस कैप्सूल में आती हैं, वुमेंस कैप्सूल में आने के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में सारी चीज़ें जो यूज़फुल होती हैं बॉडी के लिए वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं, रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अब हम सेकेंड प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है, पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है, जितने भी आयंस हैं सभी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, ग्लूकोज, और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, जहाँ पे आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑलरेडी होता है। इसके साथ साथ आपका हो गया वाटर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होती हैं, आपका क्या क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए, ग्लूकोज हो गए और वाटर हो गए। अब इसमें नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होगी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पैसिवली रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो जितने भी आयंस हैं वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं और जो वाटर होता है लगभग 85% वाटर पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है। तो जो बचा हुआ पानी वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्ब, फिर ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में आते आते इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जितने भी आयंस हैं वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब रीएब्जॉर्ब का क्या मतलब है, ये कहाँ पे हुए, ब्लड के अंदर गए ना फिर से, जैसे ये इफरेंट आर्टेरियोल है तो ये क्या है, ये पूरी तरह से आकर के कवर की हुई रहती है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ सोडियम आयन जब ये ब्लड की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो एच आयन की एंट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एच आयन अंदर की तरफ जाते हैं। अब एच आयन जब अंदर की तरफ जाएंगे, सोडियम आयन बाहर की तरफ आ रहे हैं, एच आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो एच आयन अंदर की तरफ आने से क्या होता है, यहाँ पे ये जो बाइकार्बोनेट्स है तो बाइकार्बोनेट्स डायरेक्टली पेरिट्यूबुलर कैविटी से होता हुआ बाहर नहीं जाता, यहाँ पे क्या होता है कि एच आयन एच प्लस एच सी ओ थ्री मिल करके ये बनाते हैं एच टू सी ओ थ्री, ठीक है। ये रिएक्शंस होता है, ये पेरिट्यूनियल कैविटी के अंदर ही होता है, एस टू सी ओ थ्री बनाते हैं, एस टू सी ओ थ्री फिर आगे चल करके कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो हमने सी ए लिखा ना, इसका क्या मतलब, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में
ये H2O प्लस CO2 बनाते हैं, ये फिर फ्री होकर के ब्लड में जाता है, ठीक है। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर ये H2O CO2 मिलकर के फिर H2O C3 बना, फिर HIN अलग हुआ, SCO3 अलग हो गए, फिर ये HIN जो होता है लगभग यहाँ पे 80% HIN इंटर कर जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, और जो 15% बचता है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से इंटर करता है, और 5% आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से इंटर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि एच आयन अंदर जाता है, सोडियम आयन इसमें बाहर की तरफ जाते हैं। तो फिर ये जब H2O CO2 अलग होते हैं फिर ये क्या होता है, फिर ये आगे चल करके ब्लड में इंटर कर जाते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में किस तरीके से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो जो चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको बॉडी फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब आगे चल करके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स किस में ओपन हो रहा है, लूप ऑफ हैनल्स में। हम आगे से इसका देखिए, ये लूप ऑफ हैनल बना रहा है, ये थिक और थिन होती है, यहाँ पे ये थिक साइज होती है। एक चीज और समझ लीजिए कि ऊपर का पोर्शन ये कॉर्टेक्स का रीजन होता है और नीचे का रीजन यहाँ पे मेडुला का रीजन होता है। तो लूप ऑफ हैनल्स जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में भी प्रेजेंट होता है और मेडुला रीजन में भी होता है, ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन में लूप ऑफ हैनल्स होता है उसको कॉर्टेक्स लूप ऑफ हैनल कहते हैं, जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है उसको मेडुलरी लूप ऑफ हैनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, यहाँ पे एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अब आप समझ लीजिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल और एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल होता है ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे आयंस का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी वाटर के लिए परमिएबल होता है, आयन के लिए परमिएबल नहीं होता। दूसरी चीज़ एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है जो कि कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला दोनों में प्रेजेंट है, तो ये केवल आयन के लिए परमेबल है, वाटर के लिए परमेबल नहीं होता, ये यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। इसी से आप काउंटर करंट मैकेनिज्म हम आगे की तरफ बताएंगे कि हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब देखिए फ्लो कहाँ से आया आपका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में मैंने बताया कि कौन कौन सी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ने कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई बॉडी के अंदर, और फिर वहाँ से जो फ्लो है वो आपका लूप ऑफ हैनल में आया, फिर यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और दूसरी तरफ आपका क्या हुआ साल्ट का। तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि जब मेडुला रीजन में जो आपका एसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, दो क्लोराइड होते हैं बेसिकली, आप सिंपल भी क्लोराइड लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन जो होते हैं ये रीएब्जॉर्ब होते हैं। पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर आपका डिस्टल डिसेंडिंग लूप में होगा और एसेंडिंग साइड में आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, तीन चीज़ें होती हैं जो कि रीएब्जॉर्ब होती हैं। अब देखिए अगर कॉर्टेक्स रीजन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन में, तो यहाँ पर भी जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, यहाँ पर भी सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का नहीं, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है आपका मेडुलरी रीजन में होता है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंसेस है। अब लूप ऑफ हैनल से होता हुआ जो फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ पे पहुँचेगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में पहुँचा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ये हो गया आपका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में आया। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में भी जो हमने बताया ना कि
लगभग 65% सोडियम आपका एब्जॉर्ब हो गया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में, अप्रॉक्स लगभग 20% जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में। क्लोराइड होता है ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, बची हुई जो क्लोराइड है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स से होती हुई डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में आ रही है। और यहाँ पे दो चीज़ें समझने की हैं, आप जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है, जबकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में पोटेशियम फिर से एंटर करते हैं। और दूसरा क्या एंटर करेगा आपका, एच आयन एंटर करेंगे जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये एच आयन और पोटेशियम आयन फिर से एंटर करते हैं, सोडियम बाहर की तरफ जाता है, क्लोराइड बाहर की तरफ जाते हैं। ये बाहर की तरफ से क्या मतलब है, ये ब्लड में आकर के मिल जाते हैं। एक चीज़ और आपको हमने शुरू में बताया कि जहाँ जहाँ आयन्स जाएंगे वहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन अपने आप ही होगा, यानी वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब होगा। तो 85% वाटर तो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्ब हो गया था, और जो बचा हुआ पानी है उसका लगभग 10% आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में एब्जॉर्ब होता है। अब ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स ओपन हो रहा है आपका कलेक्टिंग डक्ट्स में, कलेक्टिंग डक्ट्स में आ गया ये आपका। यहाँ पे भी सोडियम है वो बाहर हो गई, और आपका के आयन अंदर की तरफ, एच आयन अंदर की तरफ होता हुआ, ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, ये बॉडी के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ों का। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स प्रेजेंट होता है जो कि वाटर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो मेंटेन करने का काम कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब हम देख लीजिए कंबाइंड रूप से आपको बता दे रहे हैं, अभी हमने पार्ट में करके आपको बताया। अब देखिए ये ओपन हो गया आपका कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स लूप ऑफ हैनली, हम डबल नहीं बना रहे यहाँ पे, सिंगल ही बना दे रहे हैं, लूप ऑफ हैनली ओपन हो गया। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स ये ओपन हो गया कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। ये आपका यहाँ पे हो गया ग्लोमेरुलस, यहाँ पे हो गया एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड ईफरेंट, एफरेंट थिक साइज का ईफरेंट। अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जो ईफरेंट आर्टेरियोल, ये तो हमने आपको बताया कि ब्लड को ला रहा है, यहाँ पे ला रहा है, ये प्रेशर पड़ रहा है, फिर जो फ्लो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, दो अपोजिट फ्लो लग रहे हैं इस तरीके से, ये हमने आपको डिटेल बताया। अभी हम ये डायग्राम फिर से इसलिए बनाए हैं कि एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये पूरी तरह से इस तरीके से पेरिटोनियल कैविटी से ये घिरा हुआ रहता है ना, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो चीज़ें हम आपको बता रहे थे, जैसे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है, अभी हमने आपको बताया ना, ये क्या है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है, ये आपका लूप ऑफ हैनल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। तो जो चीज़ें गई वो कहाँ पे गई, हमने ये बताया ना कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हुई, जितने ऑयन है सारे ऑयन रीअब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन 85% वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। ये कहाँ होगा, पेरिटोनियल कैविटी से होता हुआ ये कहाँ पे आ जाती हैं सारी चीज़ें, ब्लड के अंदर फिर से आती हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में हो जाता है, जो बचे हुए ऑयंस होते हैं वो आपके वाटर और आयंस कहाँ पे होते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स में हो जाते हैं। यहाँ पे एडीएस का रोल होता है जो कि वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होता है आपका साल्ट के लिए परमिएबल होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है, हमने आपको बताया ना कि ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी में, शुरू में बताया, तो 100% ग्लूकोज जो होता है बॉडी में रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ग्लूकोज अगर यूरिन के रास्ते से निकलना शुरू हो तो बेसिकली उस किस कंडीशन में होता है, या तो आपको शुगर की बीमारी या कोई बीमारी है तभी आपका ग्लूकोज यूरिन से निकलता है, नहीं तो ग्लूकोज जो होता है बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरी चीज़
आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी है वो आपको पोटेशियम समझना है, पोटेशियम और एच आयन। तो एच आयन यहाँ से इंटर करते हैं, यानी एच आयन का सिक्रीशन होता है, एच आयन इंटर करते हैं। दूसरा एच आयन कहाँ से इंटर करते हैं, आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में। पोटेशियम आयन का अंतर क्या है कि पोटेशियम आयन यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, जबकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में पोटेशियम आयन इंटर करते हैं। जो बचे हुए पोटेशियम आयन है जो ब्लड में आ गए, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स का पोटेशियम आयन फिर से इंटर करेगा, जो कि कलेक्टिंग ट्यूबुल से होता हुआ फिर बाहर की तरफ निकलता है। तो ये आपको फिल्ट्रेशन का मेथड है। देखिए कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में 96% वाटर, यूरिया 2%, अदर डिजॉल्व्स जो होते हैं सॉलिड्स होते हैं वो लगभग 2% प्रेजेंट होता है। बाकी आपका यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, ये चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन एंड ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स, ये मसल्स के उससे बनता है, तो ये जो बॉडी के बाहर ये निकलता है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन अगर देखें, पेल कलर का होता है, इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम क्या होता है, विच इज़ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अमीनोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स और यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है, इंसेक्ट्स है, टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स है, यूरिकोटेलिक है। और यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक बेसिकली कौन से होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ये आपका यूरियोटेलिक एनिमल्स हो गए। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस आपको बताई गई डिटेल में, रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आपको डिटेल में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं जो कि बॉडी के लिए यूज़फुल होती है, और जो बॉडी के लिए वेस्ट चीज़ें हैं बॉडी के बाहर की तरफ निकल जाते हैं।